अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम बहुत ही इजी ट्रिक की मदद से हल करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 20? व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 20? तो इसकी सोल्यूशन ये है कि व्हाट की जगह आप एक्स लिखोगे, व्हाट की जगह आप एक्स लिखोगे, परसेंट की जगह आप 1/100 लिखोगे। व्हाट एक्स को कहते हैं एक्स लिखोगे, जिसे हमें मालूम करनी है, और परसेंट 1/100 को कहते हैं, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखे हुए, और 500 की जगह 500 है, इस की जगह इज इक्वल टू, और 20 की जगह 20। व्हाट की जगह एक्स, परसेंट की जगह 1/100, ऑफ की जगह एक्स, और 500 अपनी जगह पर, और इस की जगह इज इक्वल टू, और 20 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमें यहाँ पर एक्स को फाइंड करनी है, तो एक्स के साथ जो जो मल्टीप्लाई में है और जो जो डिवाइड में है, वो सारे नंबर्स हम दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे। अगर दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो जो नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड में चले जाएंगे, और जो नंबर इसके साथ डिवाइड में है वो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 500 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी जानिब आके डिवाइड में चली गई, और जो 100 एक्स के साथ डिवाइड में है वो दूसरी जानिब आके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स आ गया, जिसे हमें मालूम करनी है। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 2000 आता है, और डिवाइडेड बाय 500, 500 वन्स आर 500 एंड 500 फोर्स आर 2000, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, जो कि व्हाट की जगह ये एक्स आ गया, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 20। इसका मतलब ये है कि 4% ऑफ 500 इज 20। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 30 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर आर विच नंबर, यानी 30 इज 50% ऑफ विच नंबर। 30 किस नंबर का 50% है? तो सेम प्रोसीजर, 30 की जगह हम 30 लिखेंगे, इस की जगह इज इक्वल टू 50 अपनी जगह पर, परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, विच नंबर और व्हाट नंबर की जगह एक्स। तो चूंकि हमें एक्स को फाइंड करनी है, तो एक्स यहां पर है, और इसके साथ जितने भी नंबर्स है वो हम दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे। जो नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरे जानिबा के डिवाइड में चले जाएंगे, और जो नंबर डिवाइड में है वो दूसरे जानिबा के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो ये एक्स हो गया, ये 100 एक्स के साथ डिवाइड में है, तो ये इधर 30 के साथ मल्टीप्लाई में आ गई, और ये 50 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी जानिब ये डिवाइड में चली गई। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 50 वन ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, 2 30 ज़ा 60, तो x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, यानी x इज इक्वल टू 60। और परसेंटेज के यही मेथड बहुत ही आसान मेथड है, जहाँ पर व्हाट आ जाए उसकी जगह आप x लिखे, परसेंटेज की जगह आप 1/x लिखे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखे, इसके अलावा जो जो नंबर्स है वही लिख ले, फिर सिंप्लीफाई करें, आपको आसानी से आपका रिजल्ट मिल जाएगा।